आरएसबी टोल निर्माण कंपनी ने ग्राम पटेरिया गोयल तहसील आष्टा के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया है, लेकिन अब तक कंपनी के द्वारा किसानों को आम के पेड़ों और कुएं का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया है। मुआवजा राशि नहीं मिलने से किसान हैरान परेशान हैं। तो दूसरी ओर कंपनी के अधिकारी जीवित कुएं को पूरने की धमकी किसानों को दे रहे हैं। किसानों का कहना था कि जीवित कुएं के माध्यम से 25 एकड़ जमीन में सिंचाई की जाती है, कुएं में पानी भरपूर है, कंपनी के अधिकारी मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं और कुएं को पूरने की धमकी दे रहे हैं। किसानों के द्वारा तहसीलदार आष्टा एसडीएम को भी शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसान सुदान सिंह, राजेंद्र सिंह, पृथ्वी सिंह, राजा राम, देवराज, गुलाब सिंह, राकेश, राज सिंह, जय सिंह, कमल सिंह, मनोहर, मुकेश ने कलेक्टर को भी शिकायती पत्र दिया है। किसानों ने कार्यवाही की मांग की है। कहना है तो इधर ये खंभा का टाई से छोड़ दिया था, न इधर चका छोड़ दी, ना इधर ले जाए, इधर तुम्हारी मोटर वोटर हम उसको डाल देंगे। अच्छा, अधिकार नहीं है सबको। अच्छा हो चुका। हाँ, रात में पूर सकते इधर के, तो हमारे कह दे कि तुम्हारा ही नहीं ना खंभा से इधर तुम्हारी जगह, तुम्हारा कोई छिग्गा न, फिर पटवारी साहब का न पाई के न इतवार का छुट्टी का दिन न पा के कब जाए, हमारा कोई को बुलाया भी नहीं। आप तहसील गए थे? गया था साहब, गया था कलेक्टर से। अच्छा, लेकिन बात ही नहीं करी अभी कोई।